हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ MIUI 12 मी रूम के ROG एडिशन जो कि 20.6.4 वर्जन के बारे में, जो कि रेडमी नोट 5 प्रो के लिए एंड्रॉइड 10 पोर्ट रोम है। और इसमें हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सेफ्टी नेट पास हमें मिल जाता है, गैलरी में भी इसका मिल जाता है, न्यू बूट एनिमेशन मिलता है और साथ अनइंस्टॉल का जो एनिमेशन है वो भी, सारी चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाया करेगी। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे अबाउट फोन में, ऑल स्पेक्स के अंदर यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है और सिक्योरिटी पैच जो है 1 जून 2020 की देखने को मिल जाती है। और MIUI 12 मी रूम अभी एक्स ROG एडिशन 20.6.4 लेटेस्ट जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और कर्नल जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, मिस्टिक का कर्नल हमें यहाँ पे देखने को जो है मिल जाता है। और बात करते हैं कंट्रोल सेंटर की, तो कंट्रोल सेंटर स्मूथ है, कभी कभार अचानक आपको जो है थोड़ा बहुत लैग देखने को इसमें मिल जाता है, बाकी ये काफ़ी स्मूथ आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम पैनल जो है हमारा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे पावर मेन्यू आपको नॉर्मल ही यहाँ पे देखने को मिलता है। और बात करते हैं रीसेंट की, तो रीसेंट आप अगर ओपन करते हो तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी स्मूथ मिल जाता है। इसमें भी वही है कि कभी कभार जो है लैग आपको फिलहाल देखने को मिल जाएगा, बाकी फ्लोटिंग विंडो भी हमें देखने को यहाँ पे जो है मिल ही जाती है, तो आप इसका भी यूज़ जो है यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट कॉलिंग की बात करें तो जियो वोल्टी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है और वीडियो कॉलिंग भी वर्किंग है, तो आप वीडियो कॉलिंग भी कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट आपको गैलरी में स्काई देखने को मिल जाता है, तो आप इसके फिल्टर्स को जो है यहाँ पे यूज़ कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और नेक्स्ट हमारा जो है टूल्स है, तो यहाँ पे FM हमें मिल जाता है जो कि वर्किंग है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल साउंड रिकॉर्ड हो रही है हमारी और फ्रेम रेट आपको 60 FPS तक की देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और प्री इंस्टॉल आपको रूट यहाँ पे मिल जाता है, तो जैसे कि आप देख सकते हो तो लेटेस्ट वाला है 20.4 और यहाँ पे जो है हमें सेफ्टी नेट भी देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे प्ले स्टोर की बात करें तो प्ले स्टोर भी हमारा सेटिस्फाइड है और यहाँ पे हमें यूट्यूब वेंच देखने को मिल जाता है, तो आप इसका भी यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, तो हमें देखने को मिल जाता है, जो कि बैकग्राउंड में भी आप म्यूजिक यहाँ पे प्ले कर सकते हैं इस तरीके से आप, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड में भी आपकी जो है म्यूजिक आपको सुनने को मिल जाती है यूट्यूब वेंच में। एंड बात करते हैं बैंकिंग ऐप के बारे में, तो जीपे जो है हमारे यहाँ पे वर्किंग है बिल्कुल इस तरीके से, तो इसमें हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती, आप इसका यूज़ कर पाएंगे। और वहीं मूवी क्विक की बात करें तो ये जो है हमारा काम नहीं करता, तो वही आपको मैसेज से जो है हाइड करके यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो कुछ बैंकिंग ऐप काम करते हैं, कुछ यहाँ पे नहीं करते, तो उनको फिक्स करना पड़ेगा। बाकी MIUI के कैमरे की अगर हम बात करें तो कैमरा आपको ओरिजिनल पिक्चर क्वालिटी आपको मिल जाती है यहाँ पे फोटो में। इन पोर्ट्रेट मोड फ्रंट हमारा बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। बैक पोर्ट्रेट मोड के लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में जा करके डिवाइस वाटर मार्क जो है यहाँ पे ऑफ कर देना, उसके बाद आप पिक्चर क्लिक करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने को, कोई भी एरर देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल इसी तरीके से जो है आप यहाँ पे कैप्चर कर पाओगे पिक्चर। एंड वीडियो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वीडियो क्वालिटी के अंदर हम यहाँ पे चलते हैं और वीडियो क्वालिटी जो हमें देखने को यहाँ पे मिलती है 1080 60 FPS तक की हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और GCam की बात करें तो GCam आप बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ कर पाओगे, कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, पिक्चर क्लिक कर सकते हो, पोर्ट्रेट मोड क्लिक कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम फिलहाल देखने को यहाँ पे हमें नहीं मिलती। अनइंस्टॉल एनिमेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और एक साथ मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, तो अनइंस्टॉल जो एनिमेशन हमें कुछ इस तरीके से देखने को यहाँ पे मिल जाता है, लेटेस्ट एनिमेशन जो हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और थ्री फिंगर होल्ड जो कि स्क्रीनशॉट है मैनुअल वाला, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है, सेव मिल जाता है, आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैप्चर कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के, तो ये भी हमें लेटेस्ट जो है देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सेटिंग की बात करें तो हॉटस्पॉट काम कर रहा है, कास्ट की बात करें कास्ट भी हमारा वर्किंग है यहाँ पे, तो कास्ट भी आप जो है यूज़ कर पाएंगे। एंड लॉक स्क्रीन के अंदर आपको नॉर्मली सारी सेटिंग्स हमें देखने को मिल जाती है, ऑलवेज ऑन नोटिफिकेशन ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड सो चार्जिंग एनिमेशन भी हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है, क्लॉक फॉर्मेट वॉलपेपर कर्सल ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। डिस्प्ले की बात करें रीडिंग मोड हमारा यहाँ पे वर्किंग है, डार्क मोड की बात करें तो डार्क मोड हमारा काम कर रहा है बिल्कुल इस तरीके से, इंडिविजुअल ऐप भी देखने को नीचे मिल जाता है। एंड न्यू MIUI फंड जो है आपको रिबूट करना पड़ेगा इनेबल करने के बाद। बाकी यहाँ पे हमारा कंट्रोल सेंटर की सेटिंग में हाइड नॉच मिल जाता है, बाकी ये कुछ कॉलम्स की सेटिंग्स एंड कनेक्शन स्पीड हो गया, आइकन्स हो गए, ये सारे ऑप्शन हमें नॉर्मली जो है देखने को यहाँ पे मिल ही जाते हैं। बैटरी इंडिकेटर में आपको परसेंटेज तक मिलता है, यहाँ पे कुछ स्टेटस बार आइकन्स देखने को आपको मिल जाते हैं। बाकी ऑटो रोटेट की अगर हम बात करें तो ऐसे अगर हम किसी पे ऐसे ही सेटिंग्स में अगर हम रोटेट करते कहीं भी तो ये रोटेट नहीं होता, लेकिन अगर किसी एप्लीकेशन के अंदर अगर आप रोटेट करते हो एप्लीकेशन जो है यहाँ पे रोटेट हो जाता है हमारा।
तो यहाँ पे फिलहाल एप्लीकेशन में दिक्कत देखने को नहीं मिलती, एप्लीकेशन जो है आप यहाँ पे रोटेट कर पाओगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साउंड की, तो साउंड के अंदर जो है हमारा यहाँ पे सारी चीज़ें जो है देखने को मिली जाती है, एडिशनल सेटिंग्स हो गया और साउंड इफेक्ट जो कि हमारा है माई साउंड एनहांसर वर्किंग है बिल्कुल ऐसे तरीके से। एंड नोटिफिकेशन सेम है। होम स्क्रीन के अंदर हम चलते हैं तो यहाँ पे क्लासिक एंड ऐप ड्रॉयर देखने को मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट वाला हमारा देखने को यहाँ पे हमें ऐप ड्रॉयर मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लेटेस्ट लॉन्चर हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। और बात करते हैं वॉलपेपर्स की, तो वॉलपेपर्स में आपको यहाँ पे सिस्टम वॉलपेपर जो कि हमारे MIUI 12 के सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। सुपर वॉलपेपर यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बाकी प्ले स्टोर पर आप जाओगे तो कंफर्टेबल आपको बोलेगा कि नहीं है आपके डिवाइस के लिए, ऐसा कुछ आपको बताएगा। और सेकंड वाला रेड वाला ये ओपन हो जाता है, कभी कभार इसमें प्रॉब्लम करता है। तो क्या करना है आपको, ये दो एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों को ही आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, बिल्कुल सिंपली दोनों को इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद जब आप आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों ही आपके जो है वॉलपेपर्स वर्किंग है, आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी और अच्छे तरीके से जो है आप यहाँ पे इनका यूज़ कर पाओगे। कोई भी लोकेशन आप सेलेक्ट करो बिल्कुल इस तरीके से सेलेक्ट हो जाता है और यूज़ भी कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन जो है आपका यहाँ पे काफ़ी स्मूथ मिल जाता है आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे वॉलपेपर्स में आपको नहीं मिलती, बिल्कुल इसी तरीके से दोनों ही वॉलपेपर जो है आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। एंड नेक्स्ट बात करते हैं थीम्स के, तो थीम्स के अंदर हमारा यहाँ पे iOS 13 का जो है थीम देखने को मिल जाता है। और बात करें आइकन तक ऑप्शन में मिलता है। थीम कंपोनेंट्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो बूट एनिमेशन बूट ऑडियो देखने को मिलता है। थीम लैब के अंदर चलते हैं ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर वॉलपेपर साइड शो एंड प्रोफाइल वीडियो देखने को मिल जाता है हमें यहाँ पे। सिक्योरिटी की बात करें तो फिंगरप्रिंट इन फेशियल लॉक दोनों ही बिल्कुल इसी तरीके से काम करें, तो आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल इसी तरीके से रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है। और बैटरी के अंदर अगर चलते हैं तो बैटरी सेवर अल्ट्रा बैटरी सेवर शेड्यूल्स मिल जाता है। और सेटिंग्स में इसके जो है हमारे वही बैटरी ड्रेन नोटिफिकेशन ऐप बैटरी सेवर देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं यहाँ पे ऐप की, तो ऐप के अंदर सब कुछ सेम मिलता है और डुअल ऐप भी हमारा यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर चलते हैं तो लैंग्वेज इनपुट हमें मिल जाता है यहाँ पे। तो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज ये सारी लैंग्वेज हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे बात करें फुल स्क्रीन डिस्प्ले की, तो फुल स्क्रीन डिस्प्ले भी हमारा जो है बिल्कुल स्मूथ है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ जेस्चर तो आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ मिल जाता है। बस अगर बटन आप यूज़ करते हो बटन वाले, तो बटन वाले में जैसे कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हो तो उसकी जो एनिमेशन है वो आपको थोड़ा सा लैगिंग देखने मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा लैग जो है उसमें देखने को हमें मिलता है। बाकी जेस्चर जो है आपका काफ़ी स्मूथ है, यहाँ पे जो है आप इसका यूज़ कर पाएंगे। एंड नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन लाइट हमारी काम करे कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे हमें क्लियर स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में बता रखा हूँ कि इसको एक बार ऑन करोगे तो नॉर्मली डस्ट जो होता है क्लियर हो जाता है। बाकी अगर हैवी डस्ट आपको स्पीकर में लगता है तो 2 से 5 बार आप ऑन करो, थोड़ा फ़ोन चेक करना है, इससे जो साउंड निकलता है उस साउंड के जो वाइब्रेशन होता है स्पीकर पे उससे थोड़ा बहुत आपका जो है डस्ट वो क्लियर हो जाता है। बाकी ये सारी सेटिंग हम नीचे मिल जाती हैं। और बात करते हैं स्क्रीन टाइम के, तो स्क्रीन टाइम हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है एंड फोकस मोड देखने को मिल जाता है। तो दोनों फीचर हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं स्क्रीन टाइम के अंदर। स्पेशल फीचर्स के अंदर गेम टर्बो लेटेस्ट वाला देखने को मिलता है, वीडियो टूल बॉक्स फ्लोटिंग विंडो सेकंड स्पेस लाइट मोड, नीचे आपको माइक्रोजी सेटिंग्स नॉर्मली हमें मिल जाती है सारी सेटिंग्स। एंड जो बूट एनिमेशन है, ये कुछ बूट एनिमेशन है जो कि हमें इस तरीके से देखने को मिलने वाला है, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, इस तरीके से जो है बूट एनिमेशन आपको मिल जाता है यहाँ पे। एंटूट बेंच मार्क स्कोर आपका काफ़ी हाई यहाँ पे मिल जाता है, 165,129 हमें यहाँ पे एंटूट बेंच मार्क स्कोर मिल जाता है। पबजी की अगर हम बात करें तो पबजी जो है लेटेस्ट यहाँ पे गेम टर्बो में देखने को मिलता है। इसके अंदर वॉइस चेंजर जो है हमें यहाँ पे दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी काम नहीं करता है सही से। इसका जो है यहाँ पे वॉइस आपके एनिमी को या अपने आप टीममेट को जो है नहीं जाता, ओरिजिनल साउंड ही जाने वाला है, तो काम सही से नहीं करता। एंड बात करते हैं यहाँ पे ग्राफिक की, तो ग्राफिक जो है हमें यहाँ पे HD तक का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप यहाँ पे HD पे खेल पाओगे। एंड मैं यहाँ पे फिलहाल स्मूथ पे यहाँ पे खेलने वाला हूँ। और पबजी में भी आपको कोई दिक्कत फिलहाल देखने को ऐसे कोई नहीं मिलती है नॉर्मली, जैसे कि जो थोड़ा बहुत जो लैग होते हैं नॉर्मली वो सब देखने को मिलेंगे, बाकी कोई हैवी है ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगा। जो है कंट्रोल्स एंड टच रिस्पॉन्स आपके जो है स्मूथ है, कोई दिक्कत उसमें नहीं मिलती है। तो आपको टच रिस्पॉन्स कोई भी दिक्कत ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, पबजी जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे खेल पाओगे। तो यही सारी चीज़ें थी यहाँ पे इस वीडियो में, और जो भी चीज़ें थी यहाँ पे मैं बता दें, अगर कुछ मिस होता है आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम पे भी आकर पूछ सकते हो। और इंस्टॉलेशन की अगर मैं आपको बता दूँ तो वही नॉर्मल आप ऑरेंज फॉक्स की ऑफिशियल रिकवरी से भी फ्लैश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी आपका जो है यहाँ पे फ्लैश हो जाता है, कोई एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही डॉल्बिक सिस्टम डेटा वेंडर कैच इन सबको क्लियर कर देना है, रोम फ्लैश करना है एंड रिबूट कर लेना है सिंपली, और कुछ आपको करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो वॉलपेपर्स इंस्टॉल करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से
इंस्टॉल कर लेना। तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।